तो दोस्तों आज 15 अप्रैल और 15 अप्रैल को लेकर जो भी बड़ी यहां पर खबरें हैं उनको जानेंगे कि करके, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो है 15 अप्रैल को नए नियम लागू कर दिए हैं और लॉकडाउन 2 को लेकर किसे किसे विशेष छूट यहां पर दी जाएगी, बड़ी खबर है लॉकडाउन 2 को लेकर। तो अभी जान लीजिए कि क्योंकि आपकी दिनचर्या से काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लॉकडाउन 2 को लेकर अब काफी कड़े नियम और भी लागू यहां पर कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर जानेंगे कि करके लॉकडाउन 2 को लेकर नियम लागू किए हैं और क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा 20 अप्रैल के बाद, किसे यहां पर विशेष छूट यहां पर मिलेगी लॉकडाउन को लेकर, ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है। गाइडलाइन यहां पर जारी की, घर से बाहर मास्क से निकलने पर ये बड़ी पाबंदी होगी। इसके अलावा कई नियम और यहां पर शर्तें यहां से चालू हो चुकी है। तो जान लीजिए फटाफट से क्या यहां पर शर्तें और नियम चालू होंगे, और शादी विवाह शराब को लेकर भी बड़ी अपडेट है, और ट्रेन मेट्रो बस या सभी यातायात जो व्यवस्था है उसको लेकर भी यहां पर बड़ी खबर है। 15 अप्रैल बुधवार के दिन यहां पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत अब क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, इस पर बड़ी खबर है 15 अप्रैल की, बड़ी खबर जो कि दिल्ली से निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के बीच किसे यहां पर रियायत दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। स्कूल बस या जो व्यवस्था है उस पर क्या खबर है। लॉकडाउन 2 को लेकर जो बड़ी खबर है उस पर अगर बात करें, सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, इस पर जो बड़ी खबर है। और गाइडलाइन में साफ तौर पर बताया गया है कि सभी शिक्षण संस्था, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, सभी धार्मिक स्थल यहां पर बंद रहेंगे। ये गाइडलाइन जारी किया है केंद्र सरकार ने। इसके अलावा बात करें, शादी फिलहाल नहीं होगी, जिम बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में शादी विवाह समारोह जैसे कि जिम, धार्मिक स्थान बंद रहने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक व खेल आयोजन पर भी रोक लगेगी, यानी आईपीएल को जो संदेह था वो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है और इस सीजन शायद ही आईपीएल हो सके। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है, घर में बना मास्क, दुपट्टा, गमछा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बड़ी खबर यहाँ पर है इस गाइडलाइन के तहत जो नई खबर यहां पर जारी की है। इसके अलावा खेती से जुड़े कामकाज पर यहां पर रहेगी विशेष छूट। तो क्या क्या रहेगी, देखिए खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकान जिनकी मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण, वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनें कंबाइन एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट कर सकते हैं, इन पर रोक नहीं होगी, ऐसी इस गाइडलाइन में जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा इमरजेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक ही रहेगा व्यक्ति, और दो पहिया चलने पर केवल एक ड्राइवर ही जा सकेगा, इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा, गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा हेल्थ बैंकिंग सर्विस 4 जो है वो चालू रहेंगे। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, यहाँ पर केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां यहां पर खुली रहेंगे। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी गैस सिलेंडर जो भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई यहां पर पहल की है उज्ज्वला योजना के तहत, तो अब जो है ये भी सप्लाई चालू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को छूट यहां पर दी गई है। किस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं, दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में जांच दी जाती है। दिशा निर्देश के मुताबिक जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उनमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल है, लेकिन इन क्षेत्रों को सामाजिक दूरी यहां पर बनाए रखना होगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, जूट उद्योग राहत दी जाएगी। उद्योग 20 अप्रैल के काम यहां पर कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे चलाने को इजाजत दी जाएगी। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, बिल्डिंग निर्माण कार्य भी प्रतिबंध के दायरे में मुक्त कर दिया जाएगा। लोगों को काम से कम यहाँ असुविधा को इसलिए सीमित गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यानी अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाना शर्त रहेगा, तभी प्रकार की हेल्थ सर्विस को छूट दी गई है। दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग को इजाजत दी गई है। सभी तरह की खेती बाड़ी को मुफ्त रखा गया है। मंडियों को इस तरह से रियायत दी गई कि कृषि क्षेत्र संबंधित दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई। कृषि से संबंधित मशीन, कल पूंजी की दुकानें खोलने की भी इजाजत यहां पर दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार ने अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक ज्यादा कड़ाई रहेगी, इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें यहां पर उन इलाकों में छूट दी जा सकती है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर नई गाइडलाइन जारी की जिसके तहत कुछ रियायत यहां पर दी जाएगी, लेकिन उन इलाकों में जहां पर हॉटस्पॉट जो है चिन्हित नहीं है ऐसे इलाकों को विशेष छूट यहां पर मिलने वाली है।
तो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को आप कितना सम्मान देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर यहां पर साबित कीजिए। और अगर आपने भी अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन आपको नई नई जानकारी यहां पर इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है।